भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एनआरसी का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, किस तरीके से देखिए? देखिए, जो लोग चाहे बांग्लादेश के हों चाहे अन्य किसी देश के हों, जितने समय तक उनके पास वीजा लेके आते, जितने समय तक उनके पास वीजा है तो वीजा के आधार पर रह सकते हैं, और फिर यहाँ पर रह के हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान के आम नागरिकों का अधिकार वो ले, जो विदेशी हैं वो हिंदुस्तान का नागरिकों का अधिकार लेके उनका राशन है, बिजली है, पानी है, जो भी सरकार फैसिलिटी देती वो फैसिलिटी है, वो ऐसे में हम अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराएंगे, ना कि विदेश के लोगों विदेश के जो लोग हैं चाहे वो बांग्लादेशी हों चाहे अन्य किसी देश के हों, ऐसे लोगों को तो पहले भी कांग्रेस के शासन में भी ये कहा गया था, राजीव गांधी ने भी कहा, इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे जो विदेशी हैं। हाँ, जब तक उनका वीजा है, वीजा लेकर रहे, एक साल, दो साल, दस दिन, पंद्रह दिन, एक दिन, दो दिन, जो भी उनकी सामर्थ्य है, वीजा लेकर रहें, और वीजा उनका समाप्त हो तो हमारे देश को छोड़ कर जाना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल वो आरोप लगा रहे हैं कि चार साल सरकार को हो गए, अब चुनावी साल है इसलिए ये सब बातें हो रही हैं, अभी तक सरकार कहाँ थी? नहीं नहीं, ये अभी जो रोहिंग्या को लेकर जो बात आई थी, मुद्दा वहाँ से गर्माया। अब इतने लोग जो हैं, पहले भी ऐसा नहीं कि हिंदू भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं किया, जितने असम से हैं हम लोगों ने रोक लगा रखी है, और जितने लोग हैं उनको रोक दिया। अब कोई भी इधर एंट्री चोरी छिपे हो रही है तो उनको भी चिन्हित करने का काम, ये हमने 40 लाख जो लोगों को आसाम में चिन्हित किया है, ये हमारी सरकार ने तो चिन्हित किया है, तो इसलिए चिन्हित किया है, तो इनमें तो बाहर करना है। अब जिस तरीके से मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल देगी, अब विपक्ष कह रहा है कि नाम बदलने की राजनीति ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुगलसराय का नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से वो रखा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे हिंदुस्तान के शुभचिंतक थे, ऐसे विचारक थे जिन्होंने हमेशा ही गरीबों की बात की, जिन्होंने हमेशा छुआछूत की बात की, जिन्होंने हमेशा ऊंच नीच के भाव की बात की, उन्होंने विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष के नाम से हम किसी स्टेशन का नाम, और वो भी किसी महापुरुष के नाम, मुगलसराय कोई स्टेशन है किसी महापुरुष के नाम से तो है नहीं, हम ऐसे किसी व्यक्तित्व के नाम से जिन्होंने गरीबों का चिंतन किया हो, जिसमें गरीब ही दलित में ही वो भगवान को देखते हो, ऐसे व्यक्ति के नाम, दलित नारायण में ही भगवान देखते हो, तो ऐसे व्यक्ति के नाम से हम लोगों ने कहीं मुगलसराय का स्टेशन नाम बदल के किया, तो इसमें कोई गलत नहीं किया। ऐसे जब भी जिनकी सरकारें रहीं, अच्छे व्यक्ति बहुत सी जगह हमने देखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से कई संस्थाएं हैं, बहुत सी अन्य महापुरुषों के नाम से संस्थाएं हैं, तो जो इस तरह की संस्थाएं हैं, तो हम लोगों ने ऐसे व्यक्तित्व के नाम से संस्था की जिन्होंने हमेशा गरीबों की बात की, दलित की बात की, जिन्होंने विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, और जो बेचारे वहीं पर जो शहीद हुए, वहीं पर उनका अंतिम हुआ शरीर, उनका सांस निकली, तो ऐसी जगह पर उनका उसका नामकरण कोई गलत नहीं, ये तो बहुत पहले कांग्रेस के ही लोगों, कांग्रेस की सरकार को ही करना चाहिए था, उन्होंने इस चीज को नहीं कर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उन्होंने की अच्छे व्यक्ति के नाम से कोई बात कर रखना है, हमने कहीं किसी अन्य वैसे व्यक्ति के नाम से तो नामकरण नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, जिससे देश को और गरीबों को नुकसान पहुंचाने का काम किया हो, ऐसे व्यक्ति के नाम से हमारी पार्टी के व्यक्ति ने, हमारे पार्टी के लोगों ने कहीं पर नामकरण करने का काम नहीं किया। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।